अरे तुम भूत पूजना छोड़े दो रे, नहीं भूत बनोगे भाई तुम भूत पूजना छोड़े दो रे, नहीं भूत बनोगे भाई तुम। भूतई देवी भूतई देवा, क्योंकि भूत बीते हुए को कहते हैं जो मर चुका, जिसको कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य कहते हैं आगे को, वर्तमान कहते हैं हम और आप बैठे हुए हैं, और भूत कहते हैं जो बीत गया। इसलिए सदगुरु संतों ने यह भी कहा है कि बीत गया सो मुर्दा कहिए, आने वाला सपना और वर्तमान को संभालो भाई, बस यही है अपना। जो वर्तमान में जीवन जीते हैं उनका भविष्य भी सुंदर बन जाता है, और वर्तमान का जीवन ही होश का जीवन है, साधना का जीवन है, अन्यथा हमारा मन तो कहीं पीछे की ओर चला जाता है और या कहीं आगे की आशाओं में बह जाता है। सज्जन जो पीछे का है वो मर गया, वो भी सपना था लेकिन वो मरा हुआ है। आगे जो दिख रहा है वह भी सपना है, वह थोड़ा सा जिंदा है। इसलिए कहो बड़े बूढ़े ते पूछो तो बाके पास में मरे मरानी किताब धरी है दुनिया भर की बड़ी। अपनी कथा सुनावेगा तो मैंने इतने का मल्ल मारे, इतने को काम करे, इतने का मुकदमा जीते, इतने का ब्याह कर दे। और किसी लड़का लड़की से पूछो तो वो आगे की बात करेंगे, हमें मास्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, मकान बनाना है, ये बनाना है। लेकिन जो वर्तमान में कोई होश का जीवन जीते हैं वो कोई साधु संत होते हैं, सज्जन होते हैं। सज्जनों ने वो भविष्य की चिंता करते हैं और ने वो भूतकाल के लिए ज्यादा भटकते हैं, जो हो गया वो हो गया। इसलिए सदगुरु संत बताते हैं भूतई देवी भूतई देवा अनजाने में करते सेवा, फल और फूल चढ़ावे मेवा, फल और फूल चढ़ावे मेवा, उनसे जो कुछ मांगते नहीं कभी मिलेगा भाई तुम। हाँ, उनसे जो कुछ मांगते नहीं कभी मिलेगा भाई तुम, भूत पूजना छोड़े तोरे, नहीं भूत बनोगे भाई तुम, भूत पूजना छोड़े तोरे, नहीं भूत बनोगे भाई। और देखिए अज्ञानी रे जन जात लगावे, मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा हजारों हजारों लोगों का इलाज करते हैं और खुद सुपड़ा साफ है गए। सज्जनों वास्तव में ही ये भरम है, जो किसी को धोखा देगा वो स्वयं भी धोखा पाएगा, ये नियम है सृष्टि का। इसलिए जो संत महापुरुष हुए, चाहे वो बुद्ध, कबीर, महावीर, दयानंद, विवेकानंद जी, जो महापुरुष हुए उन्होंने समाज के लिए अच्छा सदमार्ग बतलाया,
और उनके जीवन की लीला आज भी जोशी की तैसी है। उनके नाम लिए जाते हैं तो बड़े आदर्श और श्रद्धा से लिए जाते हैं। अज्ञानी जन जात लगावे भूले लोग वहां पर जावे, भूले लोग वहां पर जावे। अब तुमने अपने खेत में तो बेजरी बोई है और तुम कहो के हे परमेश्वरे देवता महाराज अब जा में गेहूं हो कैसे हूं करके जिया बीजे सो लोड़े कर्म संदड़ा खेत। गुरु नानक देव जी ने कहा है जिन्होंने बोए अक्क बमूल फल चाखन चाहत द्राक अथे करन सो अग्गे पान से वेद सुना अनुसार। ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है अगर तुमने अपने खेत में बमूल और रखुआ के पौधा लगाए और फिर तुम कहो कि हम भागवत कराएंगे, हम सत्संग कराएंगे, महाराज साधु ब्राह्मणन को भोजन कराए देंगे, हे हनुमान बाबा जहाँ में अब सेब लगे संतरा लगे, क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है देखिए। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति यस कहे सब कोई, कोई न काउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज। अज्ञानी जन जात लगावे भूले लोग वहां पर जावे, जीवों की हिंसा करवावे। और वो भैया कहते हैं भैया एक मुर्गा लाइयो, को कहते हैं एक बकरा लाइयो, को कहते हैं भैया जे देवता तो अंडा खातो है, को कहते हैं भैया जा देवता को तो शराब को पौआ चाहिए, कोई कहते हो देवता के भैया सुअर को घेटा चाहिए है। और यहां सदगुरु कहते हैं हो जीव सताना पाप रे भाई ये छूटन की नाई, तुम भूत पूजना छोड़े दौरे नहीं भूत बनोगे भाई, तुम भूत पूजना छोड़े दौरे नहीं भूत बनोगे भाई। अहिंसा परमो धर्म ये कितना बढ़िया कहा है। जिन जीवों से रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मुख से कहलवाया है कि भैया मैं तो प्रेम प्यारो है रामय केवल प्रेम प्यारा, तो प्रेम कौन से करना चाहिए, ये सब राम ही तो हैं, जितने जो चैंटी से लगा करके हाथी तक। अरे संत एकनाथ जी महाराज ने तो गधा के बच्चा पे कामर चढ़ाई दी, क्योंकि बिना गधा थोड़े दिख रहो बिन तो भगवान दिख रहो बामे। लोग हंसे रहे जब बाबा ने भाई कांवर बिगाड़े दी, महात्मा जी ने कही मेरो महादेव बुझाए रहो अत्याई बिगड़ेगी है। संत नामदेव जी महाराज बताते हैं कि वे रोटी बनाए के धद गरीट गरेट की गरेट और वो आयो कुत्ता उठाए ले गो और वो पीछे कटोरी लेके भग रहे हैं। अरे के भगवान ने घी लगा लियो जाते हैं चिपर के खा लिए और तुम्हारी रोटी ने ले जाए तो तुम क्या करोगे, तुम तो भाई चांदे भोरोगे लट्ठते आते ही ऐसी तैसी करते। और महात्मा क्या कर रहे, महात्मा कह रहे कि महाराज ये घी तो चिपर के खा लिए, क्योंकि उनको कुत्ता नहीं दिख रहा था उनको भगवान दिख रहा था। सिया राम में सब जग जाने हो जीव सताना पाप है रे भाई ये छूटन की नाई,
तुम भूत पूजना, छोड़े धोरे नहीं भूत बनोगे भाई तुम। और एक बात बताएं, नई नौवटी बहु घर आई, बाको मेल बन्यो नहीं भाई। अब बाको मेल नहीं बन्यो, अब कौन ते कह भाई भीतर की बात है, अब्बा ने खेलवो शुरू कर दो और बाकी बात को समझ नहीं पाए। नई नौवटी बहु घर आई, बाको मेल मिलो नहीं भाई। सासुरई अबा की खोर दिखाई, अरे सियानो लीनो तेरी कह कह ब्याद कहां से आई जाने। सियानो लयो बुलाए कह कह ब्याद कहां से आई तुम। भूत पूजना छोड़ दो नहीं भूत बनोगे भाई तुम। जब सियाने ने ध्यान लगायो, बाने बड़ो ढोंग बनायो, आंख बंद करके बैठे को मानो जिको देवता दे बात कर रहे है। एक बार की बात बताते हैं, कऊ गांव की है, ऐसे कऊ सियाने ने थानो लगा लो, अब 10-20-50 लोग बैठे वहां, तो बाने थानो लगायो, सोई बापे देवता आया, बाने एकदम करी भाग कुत्ता बैठे चाचे दस, सो एकदम कुत्ता लड़ बैठे, सो भर्रो परेगो और बाको चौका भोगो बिगड़ेगो। अब का करो जाए तो कुत्ते ने बिगाड़ दो मामलो, के भैया अब तो फिर शनिवार को फिर लगेगा, शनिवार के दिन हो तो जी काम। शनिवार फिर आयो, फिर वाने चौका भोगा लगायो, अब थान फान लगा लू के, अब बाबे देवता आए रहो है, हु, 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 ने कुत्तन ने देखियो, हु, हु, ने कुत्तन ने देखियो। कोई समझदार आदमी है तो वो कह रहो रे देवता को बढ़ा रहो कुत्ता थे, भी तो हुकार यू दे रहा हो, अभी तो कह रहा होगा कुत्तन ने देखी हो। सज्जनों ये बड़ी विडंबना है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब सियाने ने ध्यान लगायो, बहुत बड़ो चक्कर बतलायो, बहुत बड़ो चक्कर बतलायो, साची बात जान नहीं पायो। उसने उसके हृदय को नहीं पढ़ा के बात क्या है। अरे चुटिया लीनी पकड़ सास उठाड़ी, इज्जत लुटवाई। हाँ चुटिया लीनी पकड़ सास उठाड़ी, इज्जत लुटवाई तुम। भूत पूजना छोड़े दौरे नहीं भूत बनोगे भाई तुम। और वे लोग क्या करते हैं, वे कानों में कंकड़ी लगा देते हैं, सब लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे कंकड़ी लई और कान पे लगाए दी, ये बुक्की का दे रही है बताए तो पे को है, और फिर वो कहते हो भैया मुंह बना दो कोई छोड़ दे मुझे। कोई एक ऐसी चीज आती है, कोई पदार्थ ज्वलनशील, वह हाथ में लेकर न्यो रख देते हैं, फिर दाब देते हैं और मुझे लगते हैं कि हाथ में घुस गई जी, वो कोई तेजाब होता है, बताए तो मैं को है, ओ भैया को ना नहीं। और फिर ज्यादा ज्यादा आए पत्ते तो कहने पत्तों के हूं बूंग फलानो, तो तू फलानो है तो काय को आयो जे, ओ भैया चलो जाओ। सज्जनों वास्तव में ये कोई समाधान नहीं है, मैंने बहुत जीवन में ये तमाशे देखे। और फिर ऐसे ऐसे भक्तों से भी तकरार भई, और हमने ये भी कहा कि अगर कोई मंत्र है या कोई देवता तेरे पास है या कोई जिंद मसान है तो तू हमसे थोड़ा करके तो दिखा कुछ, हमें तो प्रैक्टिकल कराए दे, इसलिए हम समाज में कहना बंद कर देंगे। पर सज्जन लोग दांत निपोड़ करके रह जाते हैं,
वे जी कहते हैं कि अरे भैया तुम तो महात्मा लोग हो, महात्माओं के लिए कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब है जब महात्माओं के लिए नहीं होता है तो सज्जनों जीते जागृत मनुष्य के लिए कुछ नहीं होता है, ये सब अज्ञानियों की लीला है। इसलिए जागृत हो जाइए, संत तो जगाते हैं। भूत प्रेत ये कुछ नहीं होते, भूत प्रेत ये कुछ नहीं होते, वेद पुराण शास्त्र सब कहते, सतसंगति से भेद मिले तब अमृत ज्ञान सहाई। हाँ सतसंगति से भेद मिले सब अमृत ज्ञान सहाई। तुम भूत पूजना छोड़ दो नहीं भूत बनोगे भाई,